बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट में। जितने भी स्टूडेंट हैं जो LANM के तहत बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं हिंदी ग्रामर से। तो अगर आपने अभी तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मातृत्व शब्द क्या है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाववाचक शब्द है। क्या है? मातृत्व शब्द जो है भाववाचक शब्द है। और 15 प्रश्न आपका जो आता है हिंदी से, ठीक है, हिंदी ग्रामर उसमें मिक्स रहता है, ज़्यादातर आपका हिंदी ग्रामर से ही आता है, इसलिए मैं यह पोर्शन करवा रहा हूँ। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को चुने, जो अशुद्ध वाक्य है उसको चूज करना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, जो अशुद्ध वाक्य है कि यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। ठीक है, क्या हो जाएगा? यूनान जो है गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता हो इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ होता है। क्या है? सर्वज्ञ बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है। तो देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण जो है इसका आंसर हो जाएगा प्रतिदिन जो है कर्मधारय समास है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, प्रतिदिन नहीं होगा, चंद्रमुख होगा, क्योंकि कर्मधारय समास जो है यहाँ पे चंद्रमुख है। ठीक है, मैं जो है समास से संबंधित क्लास दे चुका हूँ, आपने नहीं देखा अभी तक वीडियो तो जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ मैंने वहाँ पे पढ़ा दिया है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, आपको इसमें अशुद्ध वाक्य को चूज करना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा जो अशुद्ध है। अगला कि अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए अमृत सभी को पता होगा, तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह पीयूष होता है। ठीक है, किसी का नाम अगर पीयूष है तो उसका मतलब होता है अमृत होता है। चलिए अगला प्रश्न होता है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। देखिए अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं होती है, तो आपको बताना है कि कौन सी वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गीता ने पुस्तक पढ़ी, या जो है अकर्मक क्रिया नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी जो है अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध दिया हुआ है आपको चूज करना है। तो बाकी सब इसमें दयनीय कृत्रिम ठीक है सही है, लेकिन उड़ीन जो है यहाँ पे गलत है। ठीक है, उड़ीन क्या है यहाँ पे गलत है, ऐसा आपसे ग्रामर एरर से प्रश्न आ जाएगा। अगला कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो के लिए कौन सा शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। अगला कि उज्जैनी में उपसर्ग कौन सा है, तो उज्जैनी में जो उपसर्ग है वह उत उपसर्ग है। क्या है? उज्जैनी में उत उपसर्ग है। अगला कि निम्नलिखित में से एक वाक्य मानक क्या है, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करी, मैंने नहीं किया, इसमें सही क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मैंने नहीं की। क्या हो जाएगा? मैंने नहीं की। अगला प्रश्न है कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए किरण का जो पर्यायवाची शब्द होता है, रश्मि भी बोलते हैं किरण को, मयूख भी बोलते हैं, मरीचि भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है। देखिए विदेशज शब्द भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा औरत, और यह क्वेश्चन एक दिन पहले भी आपसे मैंने पूछा था। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द जो हो जाएगा हरिद्रा जो हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि छत्रज्ञ इनमें किस वर्ग में है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है आज, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, यह क्वेश्चन दो तीन दिन पहले वाली वीडियो में भी आ चुका है। अगला कि तुम तू तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें जो सर्वनाम है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? तू तुम तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो देखिए जो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वह मैं आप ही चला जाता। क्या है? मैं आप ही चला जाता, यह आपका जो है निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वाक्य में पदक्रम का सबसे साधारण नियम कौन सा है, तो वाक्य में जो पदक्रम का सबसे साधारण नियम होता है वह पहले क्रिया, फिर कर्म और फिर कर्ता, यही ना होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से आप पढ़ते हैं ना, तो पहले क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, इसमें पहले वर्ब हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद कर्ता हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पे कि कुआं शब्द क्या है। देखिए कुआं शब्द जो है वह तद्भव है। कुआं शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है यहाँ पे कि नील गगन शब्द में कौन सा समास है, तो नील गगन में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। और समास से क्वेश्चन आपका 100% आएगा, और संधि से जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द बताइए, जो प्रत्यय युक्त शब्द होता है इसका आंसर हो जाएगा करणीय जो है प्रत्यय युक्त शब्द है। अगला प्रश्न है यहाँ पे
कि जो अच्छे कुल में पैदा हुआ है क्या कहलाता है, तो जो अच्छे कुल में पैदा हुआ होता है उसको कुलीन बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, आपका रिवीजन तो हो रहा है ना। अगला कि संयुक्त व्यंजन गया इनके योग से बना हुआ है, जो संयुक्त व्यंजन जो है गया है जो किसके संयोग से बना हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी कि ज और य के योग से बना हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए, जो मूल स्वर है उसको आपको चिन्हित करना है, तो मूल स्वर में आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ख आ जाएगा, अ ई और उ। चलिए अगला है कि गाड़ी धीरे धीरे चलती है, इस वाक्य में धीरे धीरे कौन सा समास है। ठीक है, गाड़ी जो है धीरे धीरे ही चलती है ना, बहुत लोग तेज चलाते हैं तो उनकी गलती है, तो इसमें कौन सा समास है, तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। गाड़ी धीरे धीरे चलती है कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि घरों पानी पर जाना, ठीक है, घरों पानी पर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि अत्यंत लज्जित होना, घरों पानी पर जाना यानी कि अत्यंत लज्जित हो जाना। ठीक है, अगला कि देशज शब्द कौन सा है, तो देशज शब्द जो है मलाई है, इसमें देशज है। ठीक है, मलाई कौन सा शब्द है, देशज है। अगला है यहाँ पे कि मैंने 3 कुर्सी खरीदी में अशुद्धि आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सी अशुद्धि है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह वचन संबंधी अशुद्धि है। कौन सी है, वचन संबंधी इसमें अशुद्धियाँ हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि यह किताब मेज पर रख दो, ठीक है, किस वाक्य का बोध कराता है, यह किताब जो है मेज पर रख दो, यह कौन से वाक्य का जो है बोध कराता है, तो यह जो वाक्य का बोध कराता है वह स्थान और दिशा बोधक, यानी कि इस स्थान पर रख दो, क्या है, स्थान और दिशा बोधक। अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण चुनिए, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा है जो है अव्ययी भाव समास है, उसका उदाहरण क्या है, तो निसंदेह यहाँ पर क्या है, अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को, तो अगला है कि संज्ञा किस प्रकार का शब्द है। देखिए संज्ञा के बारे में सब जानते हैं, संज्ञा एक विकारी शब्द है, क्या है, विकारी शब्द है, ऑप्शन घ हो जाएगा। अगला है कि वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य की बात करें तो वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना है, यह जो है आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि दही शब्द का लिंग क्या होता है, देखिए दही का जो लिंग होता है वह पुलिंग होता है। दही क्या है, देखिए मेरी 5 बातें याद रखिए, मोती घी जी पानी दही, देखिए क्या, मोती घी जी पानी दही, ये सभी जो है पुलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, हमेशा पुलिंग होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क, यानी कि पुलिंग हो जाएगा, तो मोती घी जी पानी दही, इसको आप याद रखिए, ये सब पुलिंग शब्द होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि इनमें से द्वंद समास का उदाहरण कौन सा है, तो द्वंद समास हो गया आपका रुपया पैसा जो है द्वंद समास हो गया। अगला है यहाँ पे कि माँ ने बच्चों को बुलाया, या किस कारक का उदाहरण, माँ ने, ठीक है, मैंने आपको बताया था माँ ने, कर्ता ने कर्म को, करण से, ठीक है, मैंने पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कर्म कारक, माँ ने बच्चों को बुलाया, यानी कर्ता ने कर्म को आ रहा है ना, तो कर्म कारक, आप विभक्ति चीज इनको याद कर लीजिएगा। अगला कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है क्या है, गीता अच्छा पुस्तकें हैं। ठीक है, गीता जो है अच्छा पुस्तकें हैं, गीता अच्छा पुस्तक है, गीता अच्छी पुस्तक है, या दोनों सही या नहीं होगा, या ही होगा कि गीता अच्छा पुस्तकें हैं। एक सेकेंड, इसमें क्या है, हाँ शुद्ध वाक्य का चयन करना है ना। चलिए अगला है यहाँ पे कि कौन सा आर्य भाषा समूह में से नहीं बना हुआ है, कौन सा जो आर्य भाषा से है समूह से नहीं बना है, तो लैटिंग समूह से नहीं बना हुआ है। अगला है कि व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उनका एक पुत्र है। ठीक है, उन्हें एक पुत्र है गलत है, उनका एक पुत्र है सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जो मांस खाता है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, तो जो मांस खाता है उसके लिए सामिस बोलते हैं, क्या है, सामिस बोलते हैं, ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो अर्थ के प्रकार से संज्ञा के 6 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के प्रकार से आपको पता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 ही भेद होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आपादान तत्व पुरुष समास का सही शब्द जो है चुनिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ जो हो जाएगा रोगमूत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रोगमूत्र हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था फिर से देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा अपदान तत्व पुरुष समास का सही शब्द चुनिए, तो सही शब्द जो हो जाएगा इसमें मतदाता रस बड़ा रोगग्रस्त या रोग मुक्त, हाँ यहाँ पे रोग मुक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या कहा जाता है, तो जिस वाक्य में एक कर्ता और क्रिया हो उसको क्या कहते हैं, सरल वाक्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरल वाक्य बोलते हैं। अगला है कि उर्दू का उपसर्ग क्या है, तो उर्दू का जो उपसर्ग है वह क्या हो जाएगा, बे हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला कि यही वह वीर बालक है जिसने दुबटी बालिका को बचाया था, यह कौन सा वाक्य है,
आपको बताना है। यही वह वीर बालक है जिसने डूबती हुई बालिका को बचाया था। तो यह जो है मिश्र वाक है। कौन सा वाक है? मिश्र वाक है। अगला है प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति की विशेषता नहीं होती है। कोई भी मुहावरा होता है उसका विशेषता क्या नहीं होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन का एक वाक्यांश होना। क्या? एक वाक्यांश होता है। अगला है कि अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? देखिए अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है सहारा होना। ठीक है, अंधे की लाठी यानी कि सहारा होना। अगला है कि रानी बहुत बोलती है यह वाक्य किसका उदाहरण है? तो रानी बहुत बोलती है यह वाक्य जो है परिणामवाचक क्रिया का विशेषण है। कौन सा है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है कि राम खेल रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? देखिए इसमें काम क्या, उद्देश्य क्या हो रहा है, यानी कि राम है, इसका उद्देश्य क्या है? राम है, राम खेल रहा है। अगला है इसमें कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? कौन सा जो है इसमें सही है? तो अनुग्रहित जो है इसमें सही है। अनुग्रहित कैसे ही न लिखते हैं, तो ये आपका ऑप्शन ये सही है। अगला है प्रश्न यहाँ कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो वेदना जो है क्या है, कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो फ्रेंड्स ये था आपके लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने देखा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जो है वहाँ पे हेल्प जरूर करूँगा। आपने अगर अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।